आइए अपनी पाकशाला में आज हम बनाते हैं हरी मूंग दाल के चीले। इसके लिए हमने खड़ी मूंग को ओवरनाइट फुला के रखा है। साथ ही कुछ मसाले लिए हैं जिसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हैं। और खटास के लिए हमने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं और 1 प्याज लिए हैं। प्याज को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो चलिए दाल हम पीस लेते हैं। इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही हम इसमें अदरक भी डालेंगे। अदरक को हमने पीस लिया है, इसे आप कट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने लहसुन ऐड किया है। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो इसे छोड़ दीजिए। साथ में हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे और इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ मिलाएंगे जो हींग है। इससे इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। सेंधा नमक इसमें हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम कटी हुई टमाटर ऐड कर ले रहे हैं। टमाटर साथ में पीसने से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा। टमाटर की जगह पे आप इसमें दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी मिलाकर पीस लेंगे ताकि पेस्ट इसका थोड़ा सा पतला हो जाए। तो यहाँ पर हमारी मूंग दाल पीसकर तैयार है। तो चलिए इसे किसी दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर छिलके वाली दाल इस्तेमाल की है। आप चाहें तो धुली हुई दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया मिला लेंगे और साथ में ही सूखे मसाले मिलाएंगे, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। आप चाहें तो इसमें सब्जियों को ऊपर से कट करके मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल लोहे का तवा लिया है। आप इसे नॉनस्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम तवा गरम कर लेंगे और उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और यहाँ पर दाल के पेस्ट को अच्छे से फैला लेना है। और जैसे ही एक तरफ ये सिक जाएगा तब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसमें बाकी सब्जियाँ लगा देंगे। मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ और साथ ही हल्का सा इसमें ऑयल डालना है और इसे हम पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। आंच को हमें मीडियम ही रखनी है। तो यहाँ पर हमारा मूंग दाल चीला तैयार है। इसे आप चटनी, दही, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसी तरीके से और भी चीले बना लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यहाँ पर हमने मूंग दाल को छिलके सहित पीसा है।